अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं हूं तुम्हारा दोस्त नईम खान और आप मेरे चैनल देख रहे हैं अपना सराय मुंडा। जहाँ के मैं कुछ अच्छे उर्दू वाले सा कुछ सराकी वाले सा कुछ बिरान जो उर्दू के वीडियो देखना पसंद किए सर और कुछ इंग्लिश देखना पसंद किए सर। मैं लैट दो खड़ते ही तुम्हारे वास्ते वीडियो बनाना पे क्यों, क्योंकि पैसे है बिन ना 7,000 रुपया तो मैं तो अगर समझ जाना कि जो पैसे तुम किए गिन सकते हो और यह पैसे कैसे ले सकते हैं। क्यों यार, मैं उर्दू एक अलावा सराकी अलावा या उर्दू अलावा कोई, क्योंकि ये जरूरी चीज़ है ना, वैसे उर्दू चलावनी चाहिए है और एक जरा मतलब के वो बंदे ने कोई कीमती चीज़ है ना, एक उर्दू चलावना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आज सास इमदाद प्रोग्राम के पैसे मिल रहे हैं 7,000 रुपये, पहले 14,000 थे और अभी 7,000 हो गया। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी बता दूं कि ये कैसे मिल रहे हैं और क्या हिसाब किताब है और क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता। तो अभी जैसे ही मैं शॉप से वापस से आऊँ तो देखा कि बहुत गरीब हैं हमारे पाकिस्तान में और वो जाते हैं दफ्तरों में, उनका काम नहीं होता तो वहाँ से भी वेरीफिकेशन कराते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलते। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे दिमाग का कमाल है कि मैंने सोच लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरी हेल्प करते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूं ना तो ये बेस्ट बात होती है। बात ये है कि दरअसल बात ये है कि सबसे पहले तो ना आपके एहसास इमदाद प्रोग्राम के पैसे तब मिलेंगे जब आपके हस्बैंड के ना कोई किसान कार्ड हो और ना ही कोई बैंक अकाउंट हो। वैसे मिलते हैं बैंक अकाउंट वालों को भी मिलते हैं, जिनके बड़े बड़े बैंक अकाउंट है वैसे उनको भी मिलते हैं, लेकिन दरअसल चेक करें ना कि किसान कार्ड जिसके नाम पे है ना किसी को फिर मिलते हैं। सबसे पहले तो आप जाएं किसान कार्ड है ना तो दफ्तर जाएं या किसान वाले दफ्तर, वहाँ से ना अपनी वेरिफिकेशन को ख़त्म कराएं, फिर उसके बाद चले जाएं मतलब कि अपना जो बेनज़ीर दफ्तर है ना आपके ज़िले में होगा, हमारे ज़िले में तो खानपुर में है वो फिरोज़ा रोड पे, जो हमारे ऊपर मतलब यहाँ के देखने हैं वो फिरोज़ा रोड पे जाएंगे। वहाँ पे जब जैसे ही जाओगे ना तो आपको वहाँ पे मतलब कि सुबह सुबह जाना है, तकरीबन 6 बजे वहाँ पहुँच जाएँ, बैठे बैठे गेट पे बैठ जाएँ, वहाँ पे जैसे ही वो दफ्तर 8 बजे खुले ना अंदर फर्स्ट में चले जाएँ तो आपका तकरीबन काम सबसे पहले ही हो जाएगा। जो लोग मतलब सो के जाते हैं, सोए रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं 9-10 बजे, फिर वो जो क्या काम बनेगा उनका जब सुबह सुबह, मतलब हर काम के लिए मेहनत ज़रूरी है। सुबह अभी सर्दियां हैं, सर्दी लगेगी, जाना ज़रूरी है ना, पैसे भी तो लेने हैं ना, एक बार जाओगे फिर ख़त्म, काम ही ख़त्म है, एक बार वेरीफिकेशन करा लो फिर उसके बाद काम ख़त्म। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर ना सिर्फ आईडी कार्ड लेके जाना है और मतलब कि अपने हस्बैंड की कॉपी लेके जानी है और अपनी भी कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल नहीं उनको देना, ओरिजिनल दो और वापस भी ना मिले, ऐसे नहीं करना। फिर उसके बाद जब ये सारा काम हो जाए ना तो आपको तकरीबन ये जो अभी 7,000 वाली किस्त मिल रही है ये नहीं मिलेगी, आपको अगली किस्त मिलेगी जो तकरीबन और आने वाली है। ये तो इस हुकूमत का काम है, 7,000 कर दिया, पहले तो 14,000 था, 14,000 से काट के 7,000 कर दिया। सबसे पहले यही बात है ना, आपके यहाँ आपके हस्बैंड का किसान कार्ड ना हो और बैंक अकाउंट ना हो, फिर उसके बाद आपको कन्फर्म है पेमेंट मिल जाएगी। आप जाएं जब तक आपके हस्बैंड के नाम पे ना किसान कार्ड है फिर ना जाना, कोई काम भी नहीं बनेगा। वहाँ पे जाओगे वो कहेंगे ब्लॉकिंग वगैरह ये है वो है, उनको पता लग जाता है ना, वो जैसे ही आपका आईडी कार्ड मिलाएंगे ना तो पूरे घर का फैमिली डाटा मिलता है वहाँ पे, तो सब कुछ पता चल जाता है कि इसके क्या है क्या नहीं है, कितने माल हैं, कितना सब कुछ पता चल जाता है वहाँ पे। मेरी वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।